हाफिज़ गुल बहादुर जो हैं, ये जमात जमीतुलमा इस्लाम जो फजल रहमान ग्रुप है उससे इनका ताल्लुक था। ये मुल्तान के ही एक देवबंदी मदरसा जो है उसके फारगुल तहसील है, वहाँ से पढ़े हुए। तो ही इज़ नॉट एनी अदर यू नो मिलिटेंट कमांडर, ये बाकायदा एक स्कॉलर थे और स्कॉलर से उठ के भी मिलिटेंट कमांडर बने थे। इनका ताल्लुक, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं मिर्ज़ली जो एक हैं फ़कीर फ़िपी के नाम से जो मशहूर हैं बहुत, इस्लामाबाद के अंदर एक फ़कीर फ़िपी रोड जो है वो उनके नाम से मौसूम भी है। ये उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं हाफिज़ गुल बहादुर। सत्रह मार्च को सुबह जो है जब हम सारे शहरी के लिए उठे तो उस वक्त हमें पता चला कि पाकिस्तान ने रात के वक्त में चार मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के अंदर, पोस्ट में, पक्तिका में, कुनड़ में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो क्लेम किया कि TTP के जो हाइड आउट्स हैं उनको हमने टारगेट किया। पाकिस्तान की तरफ से कुछ चैनल्स ने, नॉट ऑफिशियली बल्कि कुछ चैनल्स ने ये क्लेम किया था कि कोई अब्दुल्ला शाह कमांडर जो है वो मारा गया, लेकिन वो फिर जो क्लेम है वो बाद में जो है वो एक वीडियो अब्दुल्ला शाह की जो एलिजिडली वो सामने आई, और उमर मीडिया जो कि TTP का लीगल मीडिया यानी जो उनका फेस है उसकी तरफ से जब ये वीडियो सामने आई और उसमें उसने ये क्लेम किया जी कि मैं तो जिंदा हूँ और पाकिस्तान के अंदर हूँ। उस वीडियो की वेरेसिटी ऑब्वियसली डाउटफुल है कि वो पाकिस्तान के अंदर से बनाई गई या अफगानिस्तान के अंदर से बनाई गई है। शाम तक फॉरन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट या इस पर कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि शाम के टाइम जाके तकरीबन मगरिब के से थोड़ी देर पहले जो है हमें फॉरन ऑफिस की जो है वो स्टेटमेंट मिलती है और उसके अंदर फिर एक डिटेल प्रेस रिलीज जारी करते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो है रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं। ऑफिशियली फिर अफगान तालिबान ने भी उसके बाद रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने फिर ये कहा कि जी के पाकिस्तान ने जो किया है, एक तो ये गलत किया है, एक तो यहाँ पर रेफ्यूजीज रह रहे थे और सिविलियंस जो हैं उसके अंदर तकरीबन 8 औरतें और बच्चे मिला के जो हैं वो उसके अंदर मारे गए हैं और पाकिस्तान ने किसी भी TTP के बंदे को टारगेट नहीं किया है। लेकिन सुबह मुझे याद है कि जब हम मुख्तलिफ अफगानिस्तान के कुछ चैनल्स को उठा के देखना शुरू किया जिसमें उन्होंने ये क्लेम करना शुरू किया कि सिविलियंस मारे गए हैं, तो उसमें उन्होंने भी ये क्लेम किया कि अब्दुल्ला शाह की फैमिली जो है उसका जो बच्चे और औरतें हैं वो उसके अंदर मारे गए हैं। सो दिस मीन्स कि अब्दुल्ला शाह की फैमिली बहरहाल वहाँ पर मौजूद थी। अब अब्दुल्ला शाह उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था या था, ये ज़ाहिर है एक फिर क्वेश्चनेबल फैक्टर है। और इसके अंदर फिर अफगान तालिबान ने किया कि अगली सुबह फिर उन्होंने हैवी आर्टिलरी के थ्रू पाकिस्तान की कुछ चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो अटैक करने की कोशिश की जिसके अंदर दत्ताखेल का इलाका, खलाची का इलाका और उसके अलावा उन्होंने अंगूर अड्डा के ऊपर जो है वो उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने ज़ाहिर उसको रिस्पॉन्ड किया। खुद हाफिज़ गुल बहादुर जो हैं, ये जमात जमीतुलमा इस्लाम जो फजल रहमान ग्रुप है उससे इनका ताल्लुक था। ये मुल्तान के ही एक देवबंदी मदरसा जो है उसके फारगुल तहसील है, वहाँ से पढ़े हुए। तो ही इज़ नॉट एनी अदर यू नो मिलिटेंट कमांडर, ये बाकायदा एक स्कॉलर थे और स्कॉलर से उठ के भी मिलिटेंट कमांडर बने थे। इनका ताल्लुक, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं मिर्ज़ली जो एक हैं फ़कीर फ़िपी के नाम से जो मशहूर हैं बहुत, इस्लामाबाद के अंदर एक फ़कीर फ़िपी रोड जो है वो उनके नाम से मौसूम भी है। ये उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं हाफिज़ गुल बहादुर। 2001 के अंदर बिफोर 9/11 जो अफगान तालिबान थे उनके साथ इनके बहुत गहरे ताल्लुक थे। उस वक्त अफगान तालिबान जो थे ये कर रहे थे नॉर्दर्न अलायंस के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे थे, तो अफगान तालिबान को सप्लाई जो आम सप्लाई होती थी उसमें तो बहुत सारे लोग जो यहाँ के लोग थे पाकिस्तान के, वो ज़ाहिर उसमें इन्वॉल्व होते थे। सो हुआ ये कि उस वक्त इन्होंने जो ये जो हाफिज़ गुल बहादुर हैं इन्होंने एक ग्रुप बनाया तकरीबन 4000 फाइटर्स का, और हुआ ये था कि UN की कोई ऑब्जर्वेटरी कमेटी आके बैठ रही थी जो कि ये देखना चाहती थी कि यहाँ जो आम सप्लाई हो रही है वो ना जाए अफगानिस्तान की तरफ, जिसको ये रजिस्ट करना चाहते थे। खैर वो कभी एक्टिविटी नहीं हो सकी क्योंकि अचानक 9/11 हो गया, 9/11 के बाद अचानक ही हालात इतने ज़्यादा एस्केलेट कर गए कि पूरे रीजन का जो मामला है वो तब्दील हो गया। पाँच के अंदर जब पाकिस्तान ने ऑपरेशंस शुरू किए वज़ीरिस्तान के अंदर साउथ में भी और नॉर्थ में भी, तो उस वक्त हाफिज़ गुल बहादुर ने अपना जो है वो एक ग्रुप बनाया और उसको फिर उन्होंने लॉन्च किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और रजिस्ट किया उन्होंने पाकिस्तान के ऑपरेशंस को। इनके साथ इनके दो और शायद थे, एक
मुल्ला सादिक थे, मुल्ला सादिक नूर, और एक इनके साथ थे अब्दुल हकीम हकानी, आई थिंक उनका नाम था। ये दो इनके बहुत करीबी दोस्त थे। इन्होंने मिलके जो है वो फिर एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को इन्होंने एक नाम दिया कि उसके थ्रू ये लोग फिर ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे और शेल्टर भी कर रहे थे कुछ लोगों को, जिसमें हकानी नेटवर्क के बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद थे। जलालुद्दीन हकानी से इनका बहुत गहरा ताल्लुक था उस वक्त, उस ज़माने के अंदर। 2006 के अंदर फिर इनकी पाकिस्तान के साथ एक इन फेमस पीस डील हुई, जिसके अंदर ये भी कहा जाता है कि मुल्ला उमर ने इनको ख़त लिखा था और उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि आप जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी एक्टिविटी ना करें, क्योंकि इससे यूनाइटेड स्टेट्स और एलाइज जो है उनको फ़ायदा होता है और जितने फॉरेन फाइटर्स हैं उनको अपने इलाकों से आप निकाल दें, जिसकी बुनियाद के ऊपर हाफिज़ गुल बहादुर ने वहाँ से लोगों को, फॉरेन फाइटर्स को, गिव अप कर दिया था। और वहाँ से वो गुड तालिबान और बैड तालिबान वाला जो पाकिस्तान के डिस्कोर्स में एक नैरेटिव है वो जनरेट होना शुरू हुआ था। फिर आप देखते हैं कि 2007 के अंदर जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनती है तो ही बिकेम द फर्स्ट नायब अमीर आफ्टर बैतुल्ला महसूद, यानी बैतुल्ला महसूद वॉज द अमीर एंड ही वॉज द नायब अमीर। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को उस तरीके से नायब अमीर के तौर पर, पर्सनैलिटी के तौर पर प्रोजेक्ट जरूर किया, लेकिन एक्टिविटीज़ के तहत उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा डिटैच रखा। 2011 के अंदर अलबत्ता फिर ये हुआ कि जब पाकिस्तान ने फुल स्केल ऑपरेशंस शुरू किए तो उस वक्त फिर उन्होंने पाकिस्तान से जो है वो पुल आउट किया। अभी जो हालात बन चुके हैं और अभी जो सिचुएशन बन चुकी है उसके मुताबिक अब हाफिज़ुल बहादुर जो है इट हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द डेडलीस्ट आउटफिट या ऑफ शूट आई वुड से ऑफ टीटीपी। फिर इनके अपने पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी हैं, ये ताल्लुक़ रखते हैं नॉर्थ वजीस्तान से, महसूस जो कि ज़्यादातर टीटीपी के सरबरा रहे हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं साउथ वजीस्तान से, और तारीखी तौर पर नॉर्दर्नस और साउदर्नस के दरमियान एक क्लैश रहा है हमेशा। तो लीडरशिप का ये जो क्लैश है ये भी एक वजह रही है कि हाफिज़ गुल बहादुर जब भी कोई महसूद पाकिस्तान के साथ आता है नेगोशिएशन के अंदर तो हाफिज़ गुल बहादुर जो है वो नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर आके नहीं बैठते, बल्कि वो एस्केलेट कर देते हैं अपने हमलों को। अच्छा, टीटीपी को भी समझने के लिए या इस ग्रुप को भी समझने के लिए आपको टीटीपी की जो अमलगमेशन है इसको भी समझने की ज़रूरत है कि टीटीपी इज़ नॉट अ काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये मुख्तलिफ बहुत सारी जमातों का एक मजमू है और वो लोग फिर अपने आप को किसी एक या दूसरे अमीर के तहत कहते हैं कि हमने आपको बैत किया, लेकिन एक्चुअली इनके अपने अपने उम्र होते हैं। और इसीलिए जब पाकिस्तान इनके साथ नेगोशिएशन टेबल पर बैठता है तो मसला यही रहता है कि ये किसी न किसी तरीके से अगर चार ग्रुप आके बैठ गए तो छः ग्रुप जो हैं वो आपसे लड़ने पर आमादा हो जाते हैं, अगर छः आ गए तो वो चार आपसे अलहदा हो जाते हैं। ये हमें बहरहाल मालूम है कि इनके अपने अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप का एक क्राइसिस मौजूद है और हर एक कमांडर दूसरे कमांडर को नीचा दिखाने और ख़ुद को बड़ा लीडर बनाने के लिए तुला बैठा था, क्योंकि उसमें फंड्स हैं, उसके अंदर पावर है, उसके अंदर स्ट्रेचर है। निगोसिएशंस बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे शायद एक मामला होता है जो कि आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर करना पड़ता है, लेकिन जो डिसेप्शन पाकिस्तान के साथ पिछले 2-2.5 साल के अंदर हुई है, प्रॉबली पाकिस्तान शायद अब ज़्यादा मुतहम्मिल नहीं हो सकता और पाकिस्तान ने इसीलिए एक हार्ड स्टांस लिया है कि इस डिसेप्शन वाली गेम से निकल के डायरेक्ट फेस टू फेस जो भी बात करनी है वो की जाए और इनको या तो सरेंडर कराया जाए या इनको मेन स्ट्रीम किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर ऑफ सच मीनिंगफुल कॉन्टेंट, शो योर सपोर्ट बाई हिटिंग द सब्सक्राइब बटन।